सहरसा स्थानीय विकास भवन में स्थित सभागार में कार्बन न्यूट्रल स्टेट बनाने की दिशा में बिहार राज्य की जलवायु अनुकूल और न्यून कार्बन उत्सर्जन विकास रणनीति प्रोजेक्ट के तहत प्रसार कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कोसी प्रमंडलीय आयुक्त नीलम चौधरी की अध्यक्षता में की गई। कार्यशाला में अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन न केवल मनुष्य बल्कि वनस्पति, जीव जंतुओं और जानवरों के लिए भी अस्तित्व का संकट बना हुआ है और उन्होंने कहा कि सहरसा में आपदाओं का खतरा बना अधिक है और इसलिए यह इस तरह की तकनीकी कार्यशाला उत्साहवर्धक है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से आयोजित किया गया है। अब बहुत ही पॉजिटिव वर्कशॉप है और बहुत ही लाभदायी होगा क्योंकि ये इन्वायरमेंटल चेंज और जो हमारे यहाँ पोल्यूशन है उसको कैसे कंट्रोल करेंगे उसी विषय पर है। और ये मुझे लगता है कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो सहरसा के हैं वो सब हैं और मुझे लगता है पेनिट्रेट करेगा गाँव में भी और सभी लोगों के बीच सो दैट हम अपने इन्वायरमेंट को बचा सकें। तो लोगों को यहाँ क्या संदेश देना चाहिए? इन्वायरमेंट बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। हमारा वातावरण प्रदूषित है काफ़ी, उस प्रदूषण को रोकने के लिए डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं जितने डिफरेंट गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं वो यहाँ आए हुए हैं और ये कार्यशाला में कुछ आउटपुट होगा तो ये आउटपुट जन जन तक चला जाए इसकी हमने अपील भी की है और मुझे लगता है कि हर लोगों के पास ये जाएगा अगर तो हमारे निश्चित रूप से हमारे समाज में ये सुधार होगा।